अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती पर बैन कॉलर बनाकर दिखा रही हूँ। बटन लूप के साथ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बटन लूप लगे हैं और ये बड़े साइज़ का थोड़ा बैन कॉलर है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और इस तरह से हम चाहें तो विंटर ड्रेसेस में इस तरह के सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं बैन कॉलर के। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कुर्ती अलग से पहले सिंपल तरीके से इसको कटिंग करके रखना है। और ये मैंने पहले से कुर्ती कटिंग की हुई है, इसकी नेक कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। 3 इंच चौड़ाई की मैंने इसमें नेक कटिंग करनी है, 1/2 3 इंचेस और फुल जो है वो 6 इंचेस और 3.5 इंचेस इसकी डेप्थ या गहराई है। जी 3.5 गहराई और 3 इंच चौड़ाई। अब बटन पट्टी के लिए कटिंग की जा रही है, 10 इंच तक इसको कटिंग करना है। पट्टी कटिंग करने के बाद अंदर लगाने के लिए हमें 2 और पट्टियों की ज़रूरत होगी। 12 इंच की पट्टी है और 2 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ लेनी है हमें। इसके बाद सबसे पहले हमें लूप के लिए डोरी तैयार करनी है। इसके लिए हमें रेप की पट्टी लेनी है, तकरीबन 1/4 इंच चौड़ी, 1 इंच से ज़्यादा होगी, 1.5 इंच से कम होगी चौड़ाई। रेप वाली पट्टी लेने के बाद इसमें बहुत ही बारीक सी सिलाई करनी है, जितना चौड़े हमें लूप बनाने हैं जितनी चौड़ी हम चाहते हैं। और आप ये देखें बाहर की तरफ की जितनी चौड़ाई है इसकी लूप के लिए, जो डोरी के लिए मैंने आपने देखा बाहर काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो छोड़ा हुआ है, तमाम का तमाम अंदर जाएगा, तो उतनी ही जितना ज़्यादा हम बाहर कपड़ा छोड़ेंगे उतनी अंदर से ये डोरी जो है सख्त बनेगी। निडल में हमें डबल करके धागा लेना है, 2-3 इसमें स्टिच लेने हैं ताकि यहाँ पर पक्का हो जाए। और फिर इसको सर की तरफ से इसको इसमें डालना है राउंड होल में। और जब ये सिरा दूसरी तरफ आ जाएगा तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सिरे को की तरफ से इस तरह से खींचेंगे कि ये सिरे वाला हिस्सा जो है अंदर जाना शुरू हो जाए। और अगर कहीं फंस रहा है तो हम नीडल की मदद से इसको ठीक कर लेते हैं। और आप देखें ये अंदर जाना शुरू हो गया है। इसको आराम आराम से एहतियात से हम इसको अंदर की साइड खींचते जाएंगे और डोरी बाहर की साइड आती जाएगी। ये देखें, और इस तरह से ये डोरी बाहर आ गई है। और इस तरह हम खींचते जाएंगे और देखें कितनी आसानी से ये डोरी तैयार हो गई है। फिर हम इसको साइज़ के मुताबिक, जितनी हमें डोरी का साइज़ चाहिए, बटन का हमारा जो साइज़ है उसके मुताबिक हम इसके लूप तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने बटन के मुताबिक अंदाजे से एक लूप तैयार किया है। अब इसका साइज़ मैं ले लूँगी, 1/2 इंच है एक लूप का साइज़। इस तरह के हम बहुत सारे लूप एक ही साइज़ की कटिंग कर लेंगे। नीचे पेपर बुकरम लगा लिया है मैंने बटन पट्टी की जगह पर, अब इन लूप को फिट करना है। ऊपर से थोड़ा सा एक पाँव की सिलाई हमें छोड़कर लगाना शुरू करेंगे। और थोड़े थोड़े फासले पर हम इन्हें लगाते जाएंगे। ऊपर से हम नॉर्मल सिलाई लेंगे, लेकिन जो जो हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे हम सिलाई को पतला करते जाएंगे। नीचे पेपर बुकरम लगाने का मकसद एक तो ये होता है कि इसमें फिनिशिंग आती है पट्टी में, और दूसरी बात ये है कि कपड़े के धागे नहीं निकलते बिल्कुल भी पेपर बुकरम लगाने की वजह से, इसलिए हम इसमें बारीक सिलाई भी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा करीब। आप ये देखें मैं नीचे की साइड से सिलाई को कम करती चली जा रही हूँ, यानी कि बहुत कम कपड़ा लिया जा रहा है आखिर में। ये 1/2 इंच के फासले पर ये लूप लगाए जा रहे हैं।
ये देखिए नीचे से मैंने सिलाई का हिस्सा बहुत कम कर लिया है, बहुत बारीक सी सिलाई ली जा रही है। ये आखिरी लूप लगाया जा रहा है। अब ये पट्टी के ऊपर हम ये बटन पट्टी का ये हिस्सा रख कर इसको स्टिच करेंगे। उल्टी साइड पर इस तरह से पट्टी को रख कर स्टिच किया जा रहा है, फिर इसको सीधी साइड पर पलट देंगे और आखिरी की सिलाई नीचे की बहुत बारीक लेनी है सिरे पर। ये देखें बिल्कुल बारीक कर दी मैंने नीचे से सिलाई। पेपर बुकरम की वजह से हमारा कपड़े के जो धागे हैं वो नहीं निकलते। अब ये पेपर बुकरम थोड़ी सी हट रही है, बाद में आयरन करके हम इसको फिर फिक्स कर देंगे। अब ये दूसरी पट्टी को लगाकर इसके साथ ही इसको स्टिच किया जा रहा है। दोनों तरफ ये दो पट्टियाँ लग गई हैं। अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, तो इस तरह से लूप बाहर की तरफ आ जाएंगे, पट्टी के अंदर की तरफ से लूप वाली पट्टी की तुरपाई होगी। ऊपर से मैं इसको सिलाई करके इसको फिक्स कर रही हूँ। दूसरी साइड की पट्टी को अंदर की साइड पर फोल्ड किया जाएगा और फोल्ड करने के बाद हम इसके सिरों को पक्का कर देंगे। दूसरी साइड की पट्टी की अब सिलाई होगी। इस तरह से बटन पट्टी पूरी तैयार हो गई है। अब बैंड की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे, बैक साइड को और फ्रंट साइड को मिलाकर शोल्डर जोड़ने हैं। इसके बाद हम बैंड तैयार करेंगे। अब आप ये देखें इसकी बैक साइड की भी हाफ इंचेस की इसकी कटिंग होगी। आप ये देखें थोड़ा सा इसको हाफ इंचेस पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। और सेंटर का निशान लगाया है। अब आप ये देखें मैंने एक पेपर बुकरम का पीस लिया है 16 इंच चौड़ा और तकरीबन ये 5.5 इंच चौड़ाई का पीस है और 16 इंच लंबाई का। अब इसको डबल करके गहरी सी बैंड कॉलर कटिंग होगी। यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ दूँगी नीचे से और यहाँ से भी 1 इंच छोड़ देंगे और इसके बाद इसको यहाँ पर हम इसको बोर्ड शेप या बे शेप में का निशान लगाएंगे, कर्व लाइन देंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को इसके साथ साथ 1 इंच के फासले पर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें साइज़ लेना है, जहाँ से कहीं से इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हम अपनी जितनी हमारी कॉलर है, जितना हमारे नेक का साइज़ है, उसके मुताबिक हमें इसको साइज़ लेना है। हम थोड़ा साइज़ से बड़ा कटिंग करते हैं ताकि ये हमारी नेक में अगर या तो पूरा आएगा या फिर थोड़ा बड़ा होगा, तो हम उसको बाद में कटिंग करके उसको इसके मुताबिक करेंगे। ये देखिए अब जहाँ तक हमारी बैंड नेक है वहाँ तक हमने इसको फालतू पीस को कम कर दिया है। अब आप ये देखें इसकी ये शेप आएगी और यहाँ पर ऊपर की साइड से गोलाई दे दिए। अब ये आसान तरीका मैं आपको बैंड बनाने का इस तरह का बताऊँगी कि अगर ये थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाती है बैंड, तो हम इसको सिलाई के दौरान इसको कम कर सकते हैं। इसका फालतू कपड़ा 1-1 पाँव की सिलाई छोड़कर कटिंग कर देंगे
और बिल्कुल इसी साइज़ की एक प्लेन पट्टी भी इसमें इसी तरह की कटिंग करेंगे, वो लाइनिंग के लिए होगी। ये बैंड का पेपर बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर आएगा और ये लाइनिंग वाला हिस्सा ये अंदर की साइड पर जाएगा। अब जैसे जैसे ये पट्टी कटिंग हुई हुई है उसी के मुताबिक हम नीचे से एक पट्टी और कटिंग करेंगे जो लाइनिंग में काम आएगी। इस तरह से ये हमारी बैंड कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको फिट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जो पट्टी बढ़ी हुई इजाफी हमने लगाई है इसको छोड़कर हमें इसको सिलाई करना है। ये पट्टी अंदर की तरफ जाएगी जब हम बटन लूप्स लगाएंगे। इसको सीधी साइड इस तरह जोड़ना है, पेपर बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर रहेगा और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गोलाई में इसके साथ साथ सीते रहेंगे। बिल्कुल भी नीचे के कपड़े को या ऊपर के कपड़े को खींचना नहीं है, बहुत ही आराम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा इसको स्टिच करते जाएंगे क्योंकि दोनों हिस्सों में गोलाई है और दोनों हिस्सों को मिलाना है। और अगर किसी वजह से ये थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है हमारी बैंड तो हम इसको कटिंग करके यहीं ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए पहले से मैं बैंड बिल्कुल भी तैयार नहीं करके रखती हूँ क्योंकि बैंड लगाते हुए अक्सर ऐसा होता है या तो हमारी नेक से बैंड जो है वो छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, फिर उसका हमारे पास कोई हल नहीं होता। तो इस तरह से पहले से अनस्टिच हम बैंड को फिट कर लेते हैं इसी तरह से, और उसके बाद जो हमारा फालतू अगर बढ़ भी जाता है तो हम इसको कटिंग करके वहीं ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए अब ये जो फालतू बैंड का हिस्सा है इसको मैं यहाँ पर इसी तरह से कटिंग करूँगी। ये देखिए और दोबारा इसको वही शेप देना है। ये देखिए इसके मुताबिक रख करना है और उसके बाद अब इस पर हम लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग वाले हिस्से को मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। सिलाई हमें पेपर बुकरम के साथ साथ करनी है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये हिस्सा हम अंदर की साइड पे कर देंगे, पट्टी वाला गोलाई वाले हिस्सों पे कट लगाएंगे और बैंड को पलट देंगे। और पलटने के बाद इसकी तुरपाई की जाएगी। तुरपाई करने के बाद ये रेडी है और इसमें बटन लूप लगाने के बाद मैं इसको फाइनल करके आपको दिखाती हूँ। लूप लगे हुए हैं, सिर्फ इसमें बटन लगाने और आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ इस बैंड को। ये देखिए ये हमारा नेक लाइन कंप्लीट तैयार है, अंदर मैंने तुरपाई की है, बटन लगा लिए हैं और आप ये देखिए बहुत ही प्यारी और नीट बैंड तैयार हो गई है। इस तरह के फैब्रिक में, विंटर फैब्रिक में और ड्रेसेस पर हम इस तरह के सिंपल नेक लाइन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नेक लाइन पसंद आएगी।